एक तरफ जहां फैन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से गमजदा हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें शहनाज गिल की चिंता खाए जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद जो कोई भी शहनाज से मिला है, हर किसी का यही कहना है कि उनकी हालत बहुत खराब है और वह पीली पड़ गई हैं। अली गोनी तो शहनाज की हालत देख एकदम टूट गए। हर कोई शहनाज और सिद्धार्थ की माँ का हौसला बढ़ा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार सुबह हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। शुक्रवार को जब एक्टर को अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से शमशान भूमि ले जाया जा रहा था, तो शहनाज सिद्धार्थ चिल्लाते हुए एम्बुलेंस की तरफ दौड़ी। उस वीडियो को देख हर कोई कांप उठा था। शमशान भूमि में भी शहनाज की हालत खराब हो गई और वह जमीन पर लेट गई। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रही एक्ट्रेस संभावना सेठ ने हमारे सहयोगी ई टाइम्स के साथ बातचीत में शहनाज की स्थिति के बारे में बताया। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के बाद जब संभावना सेठ घर पहुंची तो ई टाइम्स ने उनसे संपर्क किया। संभावना सेठ ने बताया कि शहनाज सिद्धार्थ मेरा बच्चा कह कहकर लगातार रोए जा रही थी। मुखाग्नि देने से पहले जब सिद्धार्थ की बॉडी को आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था तो शहनाज सिद्धार्थ के पैरों में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार की विधि में भी हिस्सा लिया। संभावना सेठ ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां की हालत भी बयां की। उन्होंने बताया कि वह रो रही थी लेकिन खुद को मजबूत रखने की भी भरपूर कोशिश कर रही थी। संभावना बोली, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन आज को ऐसा नहीं लगा। इस हादसे से उबरना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे जब लोग चले जाएंगे तब बहुत जोर से कमी खलेगी और दुख होगा। हमारी ही ऐसी हालत है कि पूछो मत। अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। पिछले 1.5 साल से हम इतनी सारी बुरी खबरें सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। बता दें कि जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 में थे तो संभावना सेठ ने सोशल मीडिया पर उनका जमकर सपोर्ट किया था। संभावना सेठ ने बताया कि सिद्धार्थ जब शो जीतकर वापस आए तो उन्होंने उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा भी किया था और फोन भी किया था। उस वक्त सिद्धार्थ बिंदु दारा सिंह के साथ बैठे थे और तभी उन्होंने संभावना सेठ को कॉल किया था। संभावना ने बताया कि बिंदु ने तब उन्हें पार्टी के लिए भी बुलाया था लेकिन उस वक्त वे जा नहीं पाई। पर क्या पता था कि उसके बाद वे सिद्धार्थ शुक्ला से अब इस हाल में मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।